भाई बिग बॉस के मेंबर्स के बीच नोकझोंक तो चलती रहती है। इसी नोकझोंक में हमारे नेजी भाई ने कर दिया है कटारिया को रोस्ट। जी हाँ गाइस, जो कि मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी के हिसाब से बिग बॉस कौन जीतने वाला है कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये रही वो वीडियो क्लिप। भाई नेजी भाई, तुम्हारा नाम आज से दड़ियल है। दड़ियल, तुम्हारी भी तो दाढ़ी है ब्रो, तुम्हारी मस्त है। मैं तुमको नाम दूंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा भाई। ठीक है, मत दो भाई, आई टेक माय दड़ियल बैक। तुमको बिग बॉस में नहीं ब्रो, एनिमल प्लेनेट पे होना चाहिए था तुम। तो भाई आप सभी ने टीम 07 की कार में बैठे हुए ये वाली वीडियो तो देखी होगी, शायद आप सभी ने ना भी देखी हो तो इसे एक बार प्लीज से देख लेना। तो इसका रिप्लाई एलविस यादव ने दे दिया है और इन्होंने कुछ ये कहा है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी के हिसाब से बिग बॉस कौन जीतने वाला है कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये रही वो वीडियो क्लिप। तो समझ जाओ भाई, कुछ ना रखा है गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने से, सारे बाहर खड़े होकर बनाने करो, कहीं बाहर पीछे व्यू वगैरह तो आएगा, समझ रहे हो। टीम 0000 जितनी भी हो तुम, जीरो ठीक है। कटारिया ना आती क्या दीदी? कटारिया कोई 0000 नहीं, और हम भी कह रहे हैं भाई कोई 0000 ना, ठीक है। हमारे पहले 0000 ना लगे, हमारे बाद में 0000 लगे, समझ आई? समझ जाना ना समझ आई, ठीक भाई है। तो भैया हमारे थगेश ने कर दिया है अदनान 07 को रोस्ट। यस गाइस, इनका रोस्ट का जो फंडा है वो काफी टाइम पहले से चल रहा है, ये बात तो आप सभी खूब अच्छे से जानते हो, जिसका रिप्लाई अदनान 07 ने रात को 3 बजे दिया था थगेश को। बट अभी जब वो बिग बॉस में गए हुए हैं तो थगेश ने इनको रोस्ट कर दिया, जिसकी रोस्ट क्लिप मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी के हिसाब से कौन जीतने वाला है बिग बॉस OTT तो उसका नाम भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये रही वो वीडियो क्लिप। अदनान शेख, जिन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे घर में खाना पीना उनकी वजह से बन रहा है, शायद अभी उनके खाने पीने के वांदे हो गए, राशन भी दे दिया अनिल कपूर ने। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहली बार अदनान को सुन रहा हूँ क्या? हमेशा लिप सिंक में ही सुना है ना। अदनान ने बॉडी वॉडी बना ली क्या? भाई को मालूम था हरकतें मार खाने वाली है, बॉडी बना के तो जाना चाहिए। तो भैया बिग बॉस में साई केतन और लव कटारिया के बीच लफड़ा हो गया था, जिसके ऊपर एलविस यादव ने क्या कहा है चलिए वे जानते हैं, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी के हिसाब से बिग बॉस कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बता देना। तो एलविस यादव का जो रिप्लाई था वो ये रहा। सबसे पहली बात तो गाली दी साई केतन ने, उसने बोला समझ गया ना, वो भी माँ कोई गाली है, माँ कोई तो गाली है, वुमन कोई है, उसकी माँ को है, इसने इधर से बोला तेरी कर दूंगा, तेरी माँ कर दूंगा या बहन कर दूंगा, जो भी बोला हुआ ये भी इसने गाली बकती। अगर साई केतन उसको गाली ना बकता तो कटारिया क्यों बकता गाली? क्योंकि कटारिया आज से वाले तो हमने तो देख नहीं ऐसी गाली बकते हुए भाई साहब उधर, समझ रहे हो। इतनी सिंपल सी बात है, उसने बोला वो वाली गाली, उसने वो वाली गाली दी, दोनों में माँ इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं अभी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ये मुझे ऊपर से चांद सितारे बता रहे हैं सब, ठीक है ना। तो साई केतन की गलती, उसके बाद साई केतन भाई तूने भी तो करा, ऊपर से वो करके दिखा रहा है, जैसे कोई पकड़ा करना तो मार पीट रहा है भाई। ये बिग बॉस का रूल समझ नहीं आ रहा, अरमान को बाहर कर देते तो ये एग्जांपल सेट हो जाता कि भैया वायलेंस अलाउड नहीं है हमारे सीजन में, हमें इतना छुआ करता मार पीट के, हमने कहा नहीं करना, हमें तो